The Odisha Disaster Rapid Action Force has recovered six bodies from the Mahanadi River after a boat carrying at least 50 people overturned in the river on Friday. Authorities had launched a massive search and rescue operation to locate eight missing people. As per the rescue officials, a total of seven bodies have been recovered so far, with search operations still underway. Stepping up support efforts to the bereaved families, the state government has announced ex gratia payment of 4 lakh rupees to the next kin of the deceased. मिसिंग तो टोटल सर खबर नहीं मिला है आठ तो कल एक तो निकल चुके थे हम लोग आते आते जासूरा से आते आते एक तो जाल में तान के निकल चुके थे और आज सुबह छः तो मिला है हम लोग को छः तो मिला है टोटल सात हो गया और एक तो है बोल रहे हैं ढूंढ रहे हैं लड़के लोग और बाइक दो तो है बोल रहे हैं बाइक भी नहीं मिला है और एक डेड बॉडी है और एक बाइक और ऑलरेडी पानी में जी तो क्या टोटल मिला कि कितना डेड बॉडी अभी तक सात हो गया सर सात हो गया कल शाम हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ और जो भी मिसिंग लोग थे उसमें से सात लोग मिले हैं कल और आज मिला के ओड्राफ टीम जो हमारा ओडिशा डिजास्टर रिस्पांस टीम और भुवनेश्वर से कुछ स्पेशल ट्रेन्ड जो डाइवर्स आए थे सब ने आज सुबह से ऑपरेशन किया है सात हमें मिसिंग पर्सन डेड बॉडीज मिली है वो फर्दर प्रोसीजर के लिए भेजी गई है रायगढ़ जिले के कलेक्टर से हम टच में हैं वो कल यहाँ आए भी थे उनकी टीम यहाँ पर है तो सारे लोग उनके परिवार वाले भी हैं तो फर्दर प्रोसीजर के लिए उनका जो भी फॉर्मेलिटीज है वो अभी चल रहा है और वो होते ही हम उनको रवाना कर देंगे।